एक्सरसाइज 3.4 का फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है, यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये दो शेप क्या है, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। कॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसा कोई भी शेप या ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीरियर एंगल। और कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को देखोगे तो रेक्टेंगल का जितना इंटीरियर एंगल होता है, यहाँ पर आपने मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री 180 डिग्री से कम है, तो एक रीजन आप ये लिख सकते हो कि ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर लेस देन 180 डिग्री, एक रीजन ये हो गया। दूसरा एक रीजन लिख सकते हो कि एक जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में सिर्फ दो ही डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों के दोनों डायगोनल जो है इंटीरियर पर बनते हैं, उसके एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल नहीं बनता है। जबकि आप अगर एक कॉनकेव पॉलीगॉन को लोगे तो उसका अगर डायगोनल आप ड्रॉ करना चाहो तो उसके एक्सटीरियर में भी बन सकता है। सपोज ये एक पॉलीगॉन है, ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पेंटागॉन है, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हो ऐसा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अगर आप बनाओगे तो ये सपोज ऐसा आएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके चार वर्टेक्स हैं, चार साइड्स हैं, चार कॉर्नर है। ये कॉनकेव क्यों है, क्योंकि इसका जो इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री का है। दूसरा ये रीजन है कि इसका अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो एक डायगोनल इसके बाहर में बनेगा, ऐसा एक्सटीरियर डायगोनल होगा, ठीक है। इंटीरियर डायगोनल जो अंदर में बन जाए, एक्सटीरियर डायगोनल जो डायग्राम के बाहर बन जाए, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, इसके एडजेसेंट कॉर्नर को छोड़ के किसी भी कॉर्नर से अगर उसको जोड़ दिया जाए किसी भी लाइन सेगमेंट से मिला के, तो वो डायगोनल होता है। तो ये इसका एडजेसेंट कॉर्नर ये हो गया, इसको छोड़ के अगर इसको ज्वाइन करना है डायरेक्ट यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ये जो कॉनकेव पॉलीगॉन है इसके बाहर में ये डायगोनल बन रहा है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल के केस में जो दो डायगोनल होते हैं दोनों उसके अंदर बनते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बोथ ऑफ इट्स डायगोनल आर इंटीरियर, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल आर इंटीरियर या फिर इनसाइड, या फिर इनसाइड द रेक्टेंगल, ठीक है। ये दो रीजन है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या दोनों रीजन भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही रहेगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.4 का फिफ्थ क्वेश्चन।